झटके में शांत पानी में किसी ने पत्थर फेंक दिया। बुलबुला उठने लगा। उसके बाद मीडिया के भीतर यह सवाल रेंगने लगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को लताड़ दिया है। यह सवाल भी उठने लगा कि जिस 35,000 करोड़ का जिक्र वैक्सीन को लेकर अपने बजट में सरकार ने किया, उसको लेकर कोई सवाल जवाब न मीडिया ने किया न इस देश के सीएजी ने किया। इस देश के भीतर में फाइनेंस कमीशन ने भी उस दिशा में देखने की कोशिश नहीं की। इस देश के भीतर में बार बार फाइनेंस मिनिस्ट्री के तमाम बाबू लोग जो भी नीतियों को रखते रहे, सब कोई आंखों पर पट्टी बांधकर कहता रहा, पैसा है, दिया गया है, खर्च हो रहा है, खर्च किया जाएगा, जनता के हक में होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया कि दरअसल सरकार की नीतियां ही इस देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। यह सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश के भीतर में तमाम चीजें, तमाम लोकतंत्र के पहरुओं या फिर लोकतंत्र को संभाले हुए वो तमाम पिलर कहां चले गए हैं, जिसमें एक झटके में सुप्रीम कोर्ट की आवाज पर भी भरोसा नहीं हो पाता है।